एवरी वन वेलकम टू आर चैनल टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल ऑफ क्लास सेवेंथ साइंस आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रीशंस को ले सकते हैं मतलब वो खाना कहाँ से खाते हैं हमने पूरी प्रोसेस को स्टडी किया कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है राइट और जो प्लांट्स है उसको कैसे कैसे ये जो फूड है वो प्रिपेयर कर पाता है सो हेयर वी आर डीलिंग विद द चैप्टर नंबर टू दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आज हम ये सीखेंगे कि एनिमल्स अपना खाना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे ले पाता है यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर वन दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस राइट बट एनिमल्स कैन नॉट बट एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता वो अपना खाना कहाँ से इससे नहीं बना पाते राइट फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस दैट इज ओनली फॉर दी प्लांट्स एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स अपना खाना कहाँ से, से बनाते हैं प्लांट से बनाते हैं आइर डायरेक्टली बाई ईटिंग दैम या तो वो क्या करते हैं इन प्लांट्स को खाना खा खाते हैं प्लांट्स को खाना शुरू करते हैं और इनडायरेक्टली ऑल्सो अगर सीधा नहीं खाते तो कहीं ना कहीं से वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं राइट right? रिकॉल दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ हमने ये देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए मतलब सारे ही लगा लो एक तरह से जिनको किस चीज़ की जरूरत होती है दे नीड फूड फॉर ग्रोथ फॉर द रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बॉडी के अंदर जो भी काम होता है जो रिपेयर होता है वो किसकी हेल्प से होता है बिकॉज ऑफ दी फूड खाना जब खाएंगे तभी ऐसा होगा एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रेंट किस चीज़ की जरूरत तो होती है उनको न्यूट्रेंट की दे रिक्वायर द रिक न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन एनिमल न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से वो खाने को इनटेक करते हैं किस तरह से उनके अंदर खाना अंदर जाता है और किस तरह से वो उस खाने को यूटिलाइज करते हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास सिक्स दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट हमने ये भी पढ़ा कि फूड के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दम बिलो आपको क्या करना है उनको रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ कर पाते हैं राइट सो यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट ट्राई टू रिकॉल वट आर द कॉम्पोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स वाटर विटामिनस डीज ऑल आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड राइट सो हेयर इट इज़ ऑल्सो गिवन ये भी गिवन है यहाँ पर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए दे आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेज दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटांसिस कैन नाट बी यूटिलाइज एज सच ये जो सब्सटांस होता है उसको एज इट इज बॉडी डिकम्पोज नहीं कर पाती उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती सो दे आर प्रोकन डाउन उसको तोड़ दिया जाता है राइट right? कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी ने खाया वो टूट गया किस में टूट गया इन टू द सिंपलर सब्सटांस और भी सिंपल सब्सटांस में वो ब्रेक हो जाता है द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन टू द सिंपलर सब्सटांस इज कॉल्ड डाइजेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं डाइजेशन क्या है ध्यान से समझो अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटांस इन टू सिंपलर सब्सटांस राइट इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइजेशन हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको सिंपलर में चेंज कर रहा है गॉड फ्रेंड्स नाउ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड अब खाना जो है उसको हम अलग अलग तरीके से इनटेक करते हैं राइट द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेर इज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हर किसी एन ऑर्गेनिज्म में राइट ऐसा नहीं होता कि इनटेक जो है वो एक ही होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है कैसे बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक दन एक्टर जो बीज बीज क्या होती हैं मधुमक्खियाँ ह्यूमिंग बर्ड्स ह्यूमिंग बर्ड्स क्या होते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करती हैं नेक्टर लेते हैं नेक्टर लेते हैं किसका प्लांट्स का इन्फेंट ऑफ ह्यूमन इन्फेंट मतलब होता है बच्चा जो ह्यूमन का इन्फेंट होता है बेबी होता है वो अपनी मदर के मिल्क को क्या करता है लेता है फीड करता है राइट स्नैक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल अब आपने देखा जैसे ये एनिमल्स हैं सारे के सारे बट इनका मोड क्या है अलग अलग है जैसे कि अभी इसने क्या कहा कि इसके अंदर जो खाना होगा वो कैसे जाएगा स्वेलोइंग से राइट right? जो नेक्चर होता है बर्ड्स कैसे करते हैं सक करते हैं राइट एनिमल जो ह्यूमन बिंग का जो इन्फेंट होता है वो क्या करता है अपनी मदर का दूध पीता है तो समक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन ऑन दैम कुछ एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं राइट वो क्या करते हैं जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं या आसपास होते हैं उनको खाते हैं और अपना पेट भरते हैं नाउ वी हैव एक्टिविटी टू पॉइंट वन वॉट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आपको ये बताना है कि ये जो एनिमल्स गिवन है वो अपना खाना कैसे खाते हैं राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल सो हेयर वी हैव स्नेल आंट ईगल ह्यूमिंग बर्ड लाइस मॉस्किटो बटरफ्लाई हाउस फ्लाई यू कैन सी दैट हेयर आंसर इज़ ऑल्सो गिविंग कौन चुई करता है कौन कैप्चर करता है स्वेलो करता है स्पॉन्जिंग करता है सकिंग करता है राइट सो यू कैन डू इट यूर सेल्फ राइट यू जस्ट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ़ एंड देन यू कैन ईजली फाइंड कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं हेयर वी हैव डाइजेशन इन ह्यूमन हम आज ये पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर खाना कैसे पसता है कैसे वो अपने खाने को डायजेस्ट कर पाता है राइट right? अभी हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन है वो क्या है डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना राइट और हम अब ये देखते हैं कि जो डाइजेशन, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था अब वो कैसे कन्वर्ट होगा किस में में सो हेयर वी टेक इन फूड थ्रू दी माउथ हमारा जो खाना होता है हमारी बॉडी में कैसे जाता है माउथ के थ्रू माउथ में हम खाना डाल दें राइट डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज वो हमारी बॉडी में जाता है और डाइजेस्ट होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफीसीट क्या कहता है ये कि जो खाना हमें यूटिलाइज करना होता है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और बाकी जो खाना अनयूज होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यू एवर वंडर वट हैप द फूड इन साइड द बॉडी क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह से हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है राइट right? खाना तो खा लिया उसको डाइजेस्ट कर लिया बट यूटिलाईज कैसे किया सो द फूड पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनाल हमारा जो खाना है वो एक कैनाल के थ्रू जाता है विच बिगिन एट द बकल कैिटी कहाँ से स्टार्ट होता है बकल कैविटी से एंड एंड टू द एन एस यू कैन सी दिस फिगर ओके आई विल टेल यू हेयर दिस इज बकल कैविटी स्टार्ट फ्रॉम हेयर यहाँ से स्टार्ट होता है राइट इट्स अ बकल कैविटी एंड एंडस अप टू हेयर ये क्या होते हैं उसको क्या बोलते हैं एनएस बोलते हैं राइट तो स्टूडेंट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट इट्स स्टार्ट फ्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द बकल कैविटी हेयर इट इज़ इट्स स्टार्ट फ्राम बकल कैविटी एंड एंड अप टू

ज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ ये क्या बहुत बड़ा पाथ नहीं है ये दिस पार्ट्स टूगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल ये जो हम कह रहे हैं ये पूरा मिलाकर क्या कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री केनाल और यू कैन से इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वट वी कॉल्ड इट डायस्टिव ट्रैक्ट राइट अंडरलाइन इन द नोट बुक दट द पाथ फ्रॉम विच द फूड पासिस Or enters to the body and passes out okay the unused food also pa get passed out so that proper path we called it alimentary canal or you can say it is called digestive tract the food component gradually get digested as the food travels through the various compartment हमारे जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई मशीन है कि वो इसको डाइजेस्ट करती है इट टेक टाइम्स राइट एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट आर दियर जिनका अलग अलग फंक्शन होता है राइट सो हेयर द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल इट इज़ कॉल्ड सेलेवरी क्लैंड्स अंडरस्टैंड इट केयरफुली स्ट्रेंड्स हेयर वट इज रिटर्न द इनर वॉल अंदर की जो वॉल होती है स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या फिर बहुत सारी जो ग्लैंड होते हैं जो किसमें एसोसिएट होती है इस सेलवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सेलवरी ग्लैंड बोलते हैं एंड द लीवर एंड द पैंक्रियस दीज ऑल आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट एंड दे सिक्रीट क्या सिक्रीट करते हैं दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस क्या सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसकी हेल्प से ही हमारा जो फूड होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं सो व्हाट इज द रोल ऑफ फर्स्ट लर्न दिस ग्लैंड इट्स सेलेवरी ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियास अगेन टेलिंग इट इट इज सेलेवरी ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियास राइट नाउ वट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सूड जूस अंडरस्टैंड इट दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटांस इंटू सिंपलर वन डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटांस का सिंपलर सब्सटांस में चेंज होना द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटिव ग्लैंस टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम देखो जूस के साथ जो ये डायजेस्टिव ट्रैक था और जो ग्लैंड्स थे इन दोनों को मिलाकर हमारे को क्या मिलता है हमें क्या मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है क्या मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक अब हम ये देखते हैं कि जो खाना हमारी बॉडी के अंदर चला गया वो अब कैसे कैसे हमारी बॉडी में जाएगा और एब्जॉर्ब होगा सो हेयर द फर्स्ट पार्ट दैट इज माउथ सबसे पहला जो पार्ट होता है जब खाना हमारे अंदर जाता है तो किसके थ्रू जाता है थ्रू आर माउथ हमारे खाने के मुंह में से जाता है राइट फूड इज टेकन इन टू द बॉडी फूड हम कहाँ लेके जाते हैं बॉडी में लेके जाते हैं थ्रू द माउथ द प्रोसेस ऑफ इंटेक फूड द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ द फूड इन टू द बॉडी दैट इज कॉल्ड इंजेशन अंडरस्टैंड इट नो डाउन इन ए नोटबुक दैट वट डू यू मीन बाई इंजेक्शन इंजेक्शन इज द इंटेक ऑफ फूड इट इज़ द इंटेक ऑफ फूड खाने का अंदर जाना उसको हम क्या बोलते हैं इंजेक्शन वी चुई द फूड विद द टीथ अन्ब्रेकिड हम क्या करते हैं जो खाना खाते हैं जो माउथ में लेके जा रहे हैं अब हम क्या करते हैं उसको चुई करते हैं चबाते हैं उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे पीसीस में ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स हमारी बॉडी के अंदर जो दांत होते हैं जो टीथ होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ऊपर होते हैं उनको रूटेड किया जाता है वो अंदर दबे हुए हैं किससे किसके अंदर सॉकेट के अंदर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं गम्स बोलते हैं राइट आर टीथ वेरी इन द अपरेंस हमारे टीथ देखने भी अलग होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग होता है अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम क्योंकि उनका काम अलग अलग है इसलिए हमने उनको नाम भी अलग अलग दिया है सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटी टू पॉइंट टू वॉश योर हैंड्स अपने हाथ को धो लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ अपने टीथ को काउंट करना शुरू कर दो यूज़ योर इंडेक्स फिंगर द फर्स्ट फिंगर दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर टू फील्ड द टीथ हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड कितने तरह के टीथ आपको दिखाई देंगे टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल एन अ ब्रेड एंड ईट इट कोई भी एप्पल लो या फिर कोई ब्रेड लो उसको खाना शुरू करो विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग कौन सा ऐसा टीथ होगा जिससे आपने बाइट किया होगा काटा होगा राइट right? उसको अलग किया होगा कटिंग जिससे आपने जो फूड uh, था उसको कट करना शुरू करा होगा एंड विच वन फॉर द पीसिंग एंड हेयरिंग ऑल्सो फाइंड आउट वन दैट आर यूज फॉर चिंग आपने उसको चबाने के लिए कौन सा यूज़ किया आपने उसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया राइट सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यू कैन सी हेयर दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट दिस इज फर्स्ट मोलर इसको क्या बोलते हैं हम मोलर हाउ मेनी आर देयर वन टू थ्री एंड हेयर ऑल्सो थ्री देन वी हैव अ प्री मोलर कितने टीत होते हैं टू Then we have a canine. Canine, Only this one part is there. Then second, we have incisors, right? So arrangement of teeth and different type of teeth that is given in the diagram. You must observe it, right? So we have a type of teeth. Cutting and biting, which one does and tearing, which one Chewing and grinding, which one Right? So how many total we have, and what are the types of it? Let's understand it. राइट सो दिस इज गिवन given द फिगर figure. Incisors दैट इज़ used फॉर बाइटिंग राइट किसी भी चीज़ को काटना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं incisor. Canine का अपना एक फंक्शन होता है प्री मोलर दैट इज़ फॉर द च्यूइंग एंड दैट मोलर दैट इज़ फॉर द ग्राइंडिंग ठीक है जो ग्राइंड होता है ना खाना पूरा का पूरा वो इसकी हेल्प से होता है ठीक है तो इस तरह से आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि हमारे माउथ के अंदर जो टीथ होती हैं उनका क्या वर्क होता है सुनाओ आर माउथ हैज़ ए सैल्वरी ग्लैंड ऑल्सो सैल्वरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है देखो एक ग्लैंड होती है जो क्या काम करती है जो सलाइवा को सिक्रीट करती है लार जो आती है ना मुंह के अंदर हमें गीला-गीला महसूस होता है राइट द लिक्विड पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन आर माउथ दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा सो हेयर डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवान फूड खाने के ऊपर इसका काट इसउट एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री टेक टू टेस्ट ट्यूब आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं लेबल डैम ए एंड बी एक को नाम देंगे ए दूसरे को बी एंड द टेस्ट ट्यूब ए पुट वन टी स्पून पुट वन टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस एक के अंदर हम क्या करते हैं बॉइल्ड राइस डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब बी में बी में हम क्या डाल देते हैं बॉयल्ड राइस आफ्टर चुइंग एक में च्यूई करके डाल देते हैं इट इज़ फॉर थ्री टू फोर मिनट आपको चुई कितने मिनट के लिए करना है तीन से पाँच मिनट तक के लिए नाउ एड थ्री टू फोर मिली लीटर ऑफ वाटर इन अ बोध टेस्ट ट्यूब अब आपने क्या किया तीन से चार मिलीलीटर उसमें पानी डाला नाउ फोर टू थ्री ड्रॉप ऑफ आयोडीन इन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व इट अब आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो क्या डाला उसके अंदर अंडरस्टैंड अगेन टेस्ट्यूब ए टेस्ट्यूब बी एक ए है एक बी है ए के अंदर भी बोयल्ड रेस है बी के अंदर भी बोयल्ड रेस है बट बी के अंदर जो बॉयल रेस है दैट इज आफ्टर च्यूइंग जिसको आपने च्यू करके डाला हुआ है राइट नाउ वाई इज दर अ चेंज इन द कलर अब आपने उसमें आईडी नहीं डाला राइट आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया है

द टंग इज़ अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गेन अब हम बात करते हैं हमारी टंग की हमारी जीभ की एक मस्कुलर पार्ट होता है इसके अंदर बॉन नहीं होती तो दैट इज़ वाई मस्कुलर ऑर्गेन अटैच एट द बैक ऑफ टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैटी बकल कैविटी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से से ये अटैच होता है इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ओल डायरेक्शन हमारी माउथ के हर डायरेक्शन पे मूव कर पाता है ये डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग डू यू नो कि क्या काम करता है ये वी यूज आर टंग फॉर टेकिंग फॉर टॉकिंग सॉरी किस चीज़ के लिए बातें करने के लिए विदाउट टंग तो हाउ कैन वी टॉक इट्स नॉट पॉसिबल सो बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड जो हमारी बॉडी में सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रिट होता है ना उसको खाने के साथ मिक्स करने का काम होता है च्विंग का काम करता है चपाने का काम करता है हेल्प इन सॉल्विंग हमारे खाने को निगलने का काम भी करता है वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग हमारी टंग से ही हम क्या करते हैं टेस्ट कर पाते हैं सो इट हैज़ अ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड इसके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है खाने को टेस्ट करना कभी कभी हमें मीठा महसूस होता है कभी हम नमक का देखते हैं कभी हमें कड़वा भी महसूस होता है सो वट इज़ द वर्क ऑफ दैट हुन पार्ट इज डूइंग इट इट इज द टंग विच इज डूइंग दिस थिंग वी कैन फाइंड आउट we can find out the position of taste bud by the following activity now

सो ब्लाइंड फॉर वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हम आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इन अ स्ट्रेट एंड अ फ्लैट पोजिशन उसको कहो कि धीरे बिल्कुल सीधे सीधे फ्लैट पोजिशन पर अपनी टंग को रखे यूज़ अ क्लीन टूथ पिक टू पुट अब सैंपल वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग अब आपको क्या करना है टंग के डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर यह सैंपल को रखना है यूज़ अ न्यू टूथ पिक फॉर ईच सैंपल और हर सैंपल के लिए एक नई टूथ पिक को लेना है आस्क योर क्लासमेट विच एरिया ऑफ टंग डिटेक्ट द स्वीट आपको ये बताना है कि कौन सा टंग का एरिया था जिस पर आपको स्वीट मतलब मीठा लगा सॉल्टी सॉर एंड बीटर कहाँ खट्टा लगा और कहाँ आपको कड़वा लगा राइट बीटर मीन्स कड़वा नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताना है अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर क्लासमेट ऑल्सो दूसरे जो क्लासमेट हैं उनसे भी आपको इस एक्टिविटी को देखना है राइट नाउ नेक्स्ट इज द फूड पाइप अब हम बात करते हैं किसके बारे में फूड पाइप के बारे में और ये जो फूड पाइप होता है उसको बोलते हैं

दिस इज द फूड विच इज पासिंग थ्रू दी दिस पाइप इस पाइप में से पास कर रहा है दिस पाइप विच इज पासिंग फ्रॉम द नेक टू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे इंस्टेटाइन तक इंटेस्टाइन तक जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं ओसी फिगर्स बोलते हैं राइट और ये हमारा छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं स्टमक बोलते हैं राइट नाउ हेयर फूड इज़ पुश डाउन बाय द मोमेंट ऑफ़ द वॉल ऑफ द पाइप जो खाना होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका मोमेंट किसकी किसके हेल्प से होता है फूड पाइप की हेल्प से होता है एक्चुअली दिस मूमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री केनाल ये जो खाना ऊपर से नीचे जा रहा है वो किसकी वजह से होता है एलिमेंट्री केनाल की हेल्प से होता है एंड पुश इज द फूड डाउनवर्ड और इससे खाना नीचे जाता है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इज़ वॉमिट आउट कुछ ऐसा भी टाइम आता है जब खाना हमारी बॉडी हमारे को एक्सेप्ट अच्छा नहीं कर पाती और हमें वॉमिटिंग होती है रिकॉल दैट इंस्टेंट वेन यू आर वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट अब कब ऐसा होता है कि ये वॉमिट होता है डिस्कस विद योअर पेरेंट्स इन स्टमक एंड टीचर सॉरी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टमक ऑल्सो फिग दै

फ्लैट एंड जे जैसे जे का शेप होता है ना जे बनाते हैं तो सेम एज इट इज इसका शेप जे की तरह होता है इट इज द दाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एंड एट ओपन इंटू द स्मॉल इंटस्टाइन ये कहाँ पर ओपन होती है खाना जो ओसफेग से आता है वहां से ओपन होती है और कहां तक जाती है स्मॉल इंटस्टाइन ओपन इंटू द स्मॉल इंटस्टाइन एट द अदर राइट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस देखो हमारी जो स्टमक होता है हमारा जो स्टमक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो एक लिक्विड को सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं म्यूकस एक पार्ट इसमें करेक्ट करो जो ओसीफिकस होती है वो हमारी कहाँ से बक्कल कैविटी से स्टमक तक तो होती है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन तो दैट इज फ्रॉम द स्टमक टू दैट पार्ट तो दिस करेक्ट इट नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रिट हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग मकस को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर दिया है द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना होता है राइट द एसिड्स किल मैनी बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद द फूड हमारे खाने के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं राइट right? तो ये जो एच है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है राइट एंड द मीडियम स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट राइट नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू द सिंपलर सब्सटांस जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटांस में ब्रेक करने का काम करते हैं राइट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली क्वाइल्ड क्वाइल शेप की होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है सेवन पॉइंट फाइव मीटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज सेवन पॉइंट फाइव इट रिसीव्स द सिक्रिएशन फ्रॉफ द लीवर एंड द पेनक्रियाज ये क्या रिसीव करती है जो लीवर और पेनक्रियाज होते हैं उनसे सिक्रीशन को रिसीव करती है बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूस इसकी वॉल भी क्या करती है कुछ जूस को सिक्रीट करती है द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ़ द एपडोमन ऑफ द राइट साइड हमारा जो एपडोमन है हमारा जो पेट हम कहते हैं जिसको उसके राइट right साइड पर एक ब्राउन कलर का ग्लैंड प्रेजेंट होता है इस ग्लैंड को हम लीवर बोलते हैं इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है इसको मार्क करो आप सभी सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं लीवर बोलते हैं इसका काम काम क्या होता है इट इज़ इट सिक्रेट द बाइल जूस बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करता है एंड इट्स स्टोर्ड इन द सैक जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर क्या बोलते हैं गोल ब्लैटर द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट बॉडी के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने का काम ही बाइल जूस का होता है मतलब बाइल कहाँ से निकलेगा गोल ब्लैडर से राइट और गोल ब्लैडर हमारे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है द पेन क्रास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड एक क्रीम कलर का जो ग्लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पेनक्रियाज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक हमारे पेट की बिल्कुल नीचे की साइड होता है राइट द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट एज अ कार्बोहाइड्रेट ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इन टू सिंपलर फॉर्म और ये क्या करता है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है राइट यू कैन सी ही वाउंड दैट्स प्रेजेंट इन द बॉडी राइट नाउ हेयर लेट सी द एब्सॉर्बेशन सॉरी हेयर द पार्शली डाइजेस्टिव फूड नाओ रिच इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये आधा पचा हुआ खाना होता है वह अब कहाँ जाता है इट मूव्स टू दी लोअर पार्ट ऑफ डाइज स्मॉल इंटस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइल जूस कॉम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेट फूड द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू द सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट क्या करती है सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती है जैसे कि ग्लूकोज फैट एंड फैटी एसिड और ग्लिसोल नाव हेयर लेट्स सी द एब्सॉर्बन इन दी एनिमल्स एंड इंटेस्टाइन अब हम ये देखते हैं कि खाना हमारे इंटेस्टाइन में कैसे पसता है सो हेयर द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इंटू द ब्लड वेसल्स इन द बॉल ऑफ द इंटेस्टाइन अब जो खाना होता है वो कहाँ चला गया इन द ब्लड वेसल्स कहाँ पर चला गया ब्लड वेसल्स में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एबजॉर्प्शन क्योंकि जो हमने खाना खाया वो हमारी ब्लड वेसल्स में चला गया एब्जॉर्ब हो गया इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब्शन द इनर बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ हमारी स्टमक ये जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है जैसे हमारी उंगलियां होती है ना बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या होती है फिंगर लाइट आउट ग्रोथ होती है और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं विलाई बोलते हैं क्या बोलते हैं विलाई कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंडस्टाइन इन विलायज का क्या काम होता है दिस विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्बशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड हमारे खाने के डाइजेस्टिव के डाइजेशन के एरिया को बढ़ाने का काम किसका होता है विलाई का होता है राइट ईच वायलस विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल ये जो विलाई होते हैं उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं क्लोज टू द सर्फेस द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल ये जो विलाई होते हैं इनके सर्फेस पर जब पार्टिकल आते हैं तो ये क्या करते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं द आब्जॉर्ब सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड वाई द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गैन क्योंकि अब ब्लड वेसल्स, देखो विल, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स थे ब्लड वेसल्स ने खाने को अब्जॉर्ब किया खाने को अब्जॉर्ब करके खाना का जो मेन पार्ट था वो ब्लड वेसल्स में चला गया और ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रैवल करते हैं राइट

इन विच विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में राइट दोबारा समझो खाना जो होता है वो ग्लूकोज होता है और ये ग्लूकोज होता है जैसी हम हम जब सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ तो ये जो ऑक्सीजन होती है ग्लूकोज को ब्रेक कर देती है किसमें ब्रेक कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में एंड एनर्जी इज़ रिलीज तब एनर्जी रिलीज होना शुरू करती है द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन जो खाना अनडेस्टेड होता है पछता नहीं है एब्जॉर्ब नहीं होता वो अब कहाँ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है किस के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर इसका काम होता है पानी को अब्जॉर्ब करना and some salt from the undigested food materials. the remaining waste passes into the rectum. अब बचा हुआ जो खाना था, undigested जो food था, वो rectum में जाता है and remains there as a semi-solid feces. जो जो हमारी body की undigested part होता है, वो इसी में आता है. the fecial matter is removed from the anus. अब जो खाना बिल्कुल waste हो चुका है, जिसका कोई use नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है कहां से फ्रॉम द एनस दिस इज कॉल्ड इजेशन इसको हम क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं राइट नाउ हेयर डाइजेशन डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग दिस इटिंग दिसर डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव यू ऑब्जर्व हैव यू ऑब्जर्व काउस बफैलोज एंड अदर ग्रास हीटिंग एनिमल्स क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है इनको सो हेयर ग्रास हीटिंग एनिमल्स छुइंग कॉन्टिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ऐटिंग वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है वो उसको खाते रहते हैं राइट छुई करते रहते हैं Uh, तो ये क्या कहते हैं एक मिनट हैव यू ऑब्जर्व काउस एंड बफेलोज एंड अदर ग्रास हिटिंग एनिमल्स क्या आपने कभी भी ग्रास एनिमल्स को देखा है च्यू करते देखा है वो कॉन्टिन्यूस च्यू करते रहते हैं है ना चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं दे आर नॉट ईटिंग एक्चुअली दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास वो सीधा ग्रास को क्या करते हैं स्वेलो कर देते हैं एकदम से निकल जाते हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक और वो अपनी पार्ट में जो स्टमक होता है ना उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस पार्ट को क्या बोलते हैं रिह्यूमन बोलते हैं हेयर द फूड गेट हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कड और इसको क्या बोलते हैं कट बोलते हैं बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन टू द स्मॉल लम्ब्स एंड एनिमल्स इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं र्यूमिनेशन बोलते हैं दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलॉस जो ग्रास होती है उसके अंदर सेल्युलर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन र्यूमिनेट

केसम भी बोल देते हैं बिटवीन द ऑसोफिगर्स एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन ह्यूमन के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता और ये क्या करते हैं इस तरह से खाने को पचाते हैं सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल्स विच पोसेस प्रोजेस द डाइजेसि सिस्टम बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ना तो माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है देन हाउ डू दे एक्वायर एंडस्ट फूड तो ये किस तरह से अपने खाने को पचाते हैं इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक अब हम क्या करेंगे अलग तरीके के कुछ एनिमल्स को पढ़ेंगे जो अपने खाने को इनटेक करते हैं सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग एंड डाइजेशिंग इन अमीबा

Figure this shows it. In this cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. Amoeba क्या करता है अपनी शेप को अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है It pushes out one and more finger-like projection जिसको बोलते हैं pseudopodia. और द फोल्स फीड फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चर ऑफ फूड खाने को बनाने के लिए कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस पोर्शन दिस पोर्शन शोज स्यूडियोपोडिया खाना इसके अंदर क्या होता है फिंगर लैग स्ट्रक्चर बनता है और खाना इसके अंदर क्या होता है इनटेक हो जाता है अंदर की तरफ जाता है नाव अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वेन इट सेंसिस फूड इट पुशिज आउट स्यूडियोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल जैसे ही वो खाने को सेंस करता है ये स्यूडियोपोडिया बनना शुरू हो जाता है और वो खाने को अंदर ले जाता है द फूड बिकम ट्रैप्ड इन इन अ फूड वैक्यूल और खाना एक फूड वैक्यूल एक खाली जगह होती है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल उसमें सेव हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव सूट जो जूसेज है, होते हैं वो सीक्रेट होते हैं इस फूड वैक्यूल में दे एक्ट ऑन द फूड खाने के ऊपर काम करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको सिम्पल सब्सटांस में डिवाइड कर देते हैं ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्ब और इस तरह से जो खाना होता है वो पचना शुरू होता है द एब्ज़ॉर्ब सब्सटांसिस आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ये जो डाइजेस्टि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो उनकी ग्रोथ के लिए उनके मेंटेनेंस के लिए और उनके मल्टीप्लिकेशन मतलब उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है द अनडाइजेस्टिव रेसिडी ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल ये जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो भी इसमें से बाहर निकलाता है द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ अ फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होता है वो अधिकतर एनिमल्स में सेम होता है इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब आने वाले चैप्टर्स में हम फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कैसे उसके अंदर क्या होता है फूड डाइजेस्ट होता है राइट सो होप यू लाइक इट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू राइट